सब्सक्राइब कीजिए टिक टॉक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक टॉक चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक में डाउनलोड स्टोरेज को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे क्लियर करते हो, मास्क वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना टिकटॉक ओपन करना है। टिकटॉक ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में जाना है। उसके बाद आपको ऊपर तीन डॉट पर प्रेस करना है, उनसे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए स्टोरेज, इसको ओपन करना है। यहाँ से आप कैचअप को भी डिलीट कर सकते हैं या क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स, 2.7 MB है। आप वीडियो बनाते वक्त कुछ भी डाउनलोड करते हो, इफेक्ट्स हो या फिल्टर्स हो या स्टिकर्स हो, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे डिलीट पे प्रेस कर देना है और आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड स्टोरेज यहाँ पे जीरो हो चुका है। उसी तरह से आप क्लियर कैचअप भी कर सकते हैं। बस आपको डिलीट करना है और डिलीट पर प्रेस कर देना है। तो आप किस तरह से टिकटॉक में डाउनलोड स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टिकटॉक चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।